राधे राधे मेरे प्यारे साथियों, इस उम्मीद के साथ कि आप बेहतर होंगे, मस्त होंगे। लॉकडाउन में जो कुछ भी चल रहा है, उन थोड़े सीमित संसाधनों में, व्यवस्थाओं में खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे होंगे। जिन लोगों को पूरे जीवन में शिकवा शिकायतें थी आपसे, बात ना करने की और कह सकते हो मिलने की थोड़ी कम हो गई होंगी। शरीर पर जो आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे, अगर आप डिसिप्लिन में वास्तव में रहे होंगे तो आप इसमें भी जरूर थोड़ी ना थोड़ी विजय पाए होंगे। पूरे लॉकडाउन के दौरान जिस भी विषय में आपका कमांड कम रहा होगा, मुझे लगता है कि अपने भविष्य को देखते हुए, आगामी परीक्षाओं को गंभीरता से लेते हुए, आपने उनके बेहतर समाधान के बारे में भी सोचा होगा। एक बात की और मुझे थोड़ी खुशी भी हुई कि लॉकडाउन ने गांव की परिभाषा अपने आप बता दी। कई ऐसे लोग भी गांव आए होंगे जिनका वजूद ही गांव से खत्म हो गया होगा, जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी कि हम गांव आएंगे, लेकिन वो गांव आए। शहर में जिन्होंने अपना पूरा आशियाना बना के सोचा था कि हम एक सभ्य जिंदगी यहां जिएंगे, उनको भी गांव सताने लगा। और लॉकडाउन ने इतना मौका दिया बीच में सोचने का कि हम कई बार अतीत के सागर में डुबकियां लगाए होंगे, अपने चाइल्डहुड से लेकर के अपने यंग एज तक के जो भी रोचक मोमेंट हैं उन्हें हमने याद किया होगा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि अगर कल एग्जाम अपना क्लियर कर दे SSC, तो आप इसके लिए प्रिपेयर नहीं हैं। अगर 6 महीने बाद भी अपना SSC कैलेंडर जारी करे तो भी आप प्रिपेयर नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि प्रिपेयर आपको होना है। और यह भी सही बात है कि आपको डाउन टू अर्थ हो करके कापियों से जुड़ना पड़ेगा, रफ और पेन का सहारा लेना पड़ेगा। हम कितनी भी बड़ी डिजिटल इंडिया में जी लें, लेकिन किताबों की मोहब्बत कुछ और ही है और ये हमेशा बरकरार रहेगी। हम आपको RS अग्रवाल की बी एक्सरसाइज पढ़ा रहे थे और मैंने कहा था कि इसमें 43 क्वेश्चंस हैं। एक लंबी सीरीज में हम क्लास को नहीं पढ़ाए हैं, 25, 30, 40 मिनट का वीडियो नहीं रहा है। उसके कई कारण यह भी रहे हैं कि मुझे भी देखना होता है कि आप रियलिटी में इस तरह के सवालों के लिए कितना इंटरेस्टेड हैं। आपका फीडबैक हमें इम्पावर करता है। तो चलिए आगे और 2-4 क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं। बी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, आपके पास यदि बुक है तो आप घर में खुद ही देखिए, अच्छी लैंग्वेज में, अच्छे कंटेंट में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर होगा। ए का 60%
इक्वल्स बी का 75%, कुछ ऐसा लिखा है। और फिर कह रहा है बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, मतलब इनकी आय का कितना प्रतिशत है। इफ़ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, देन यू विल गेट ए मल्टीप्लाइड बाई 60/100 इक्वल टू बी इंटू 75/100। अब मैं इसी को ये कह सकता हूँ कि जब दोनों तरफ आपको बराबर में परसेंटेज दिया हो तो नीचे का 100 लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू कट जाएगी। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 15 चौको 60, 15 5 75, इसका मतलब ये हुआ अगर इसको आप अपॉन में लाएं तो ए बाई 5 इक्वल टू बी बाई 4। इसका मतलब ये है कि बी को 4 अंक मिले हैं और ए को 5 अंक मिले हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है बी के अंक ए का कितने प्रतिशत हैं, यानी 4 out of 5 मल्टीप्लाइड बाई 100। सो योर आंसर विल बी 80%। क्लियर। अगला क्वेश्चन होगा, वो लिखा हुआ है किसी परीक्षा, ये अच्छा सवाल है, किसी परीक्षा में 4 छात्रों ए बी सी डी में से ए को बी से 10% कम अंक मिले, ए गेट्स 10% लेस देन बी। देखिए मेरे भाषा में आप ग्रामर मत देखिएगा, मैथ्स देखिएगा केवल। और आगे कह रहा है बी को सी से 25% अधिक अंक मिले, बी गेट्स 10% मोर देन सी। आगे लिखा हुआ है सी गेट्स 20% लेस, 20% लेस माइनस हमने लगाया मतलब कम, लेस देन डी। और फिर आगे लिखा है ए ने 360 अंक प्राप्त किए, ए गेट्स 360 मार्क्स। और हमसे कह रहा है टोटल एग्जाम का जो एमएम है वो 500 है, एमएम है जो वो 500 है। क्वेश्चन पूछ रहा है डी ने कितने प्रतिशत अंक गेन किए। ये अच्छा सवाल है, सवाल समझना शुरू करिए। मान लीजिए ये आपने ए लिखा, ये आपने बी लिखा, ये आपने सी लिखा और ये आपने डी लिखा, और मान लीजिए डी को 100 अंक मिले, 100 मार्क्स। क्वेश्चन कह रहा है कि सी गेट्स 20% लेस देन डी, इसका मतलब ये है कि सी को डी का मात्र 80% मिलेगा, 20% कम मिलेगा, अर्थात 80 मार्क्स। फिर आगे कह रहा है बी गेट्स 10% मोर देन सी, बी गेट्स 10% मोर देन सी, इसका मतलब ये है कि इसको मिलेंगे, इसका 10% ज़्यादा, इट मीन्स 110 आउट ऑफ जो भी है, तो इसको मार्क्स मिल जाएंगे 88। ठीक है, फिर कह रहा है ए गेट्स 10% लेस देन बी, ए गेट्स 10% लेस यानी इसका मात्र कितना 90%। ये और इसके जो मार्क्स हैं वो आपके पास लिखे हैं 360, तो इनके जो मार्क्स हैं वो 88 मल्टीप्लाइड बाई 9/10 इक्वल्स 360, यही लिखा हुआ है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 40 आएगा
और 1 इक्वल टू आएगा 400/88। हमको मार्क्स पूछ रहा है डी के, तो डी को कितने मार्क्स मिलेंगे आप यहीं से कैलकुलेट कर दीजिए। सवाल को एक मिनट दोबारा पढ़ लेते हैं। ए गेट्स 10% लेस देन बी, ए को बी से 10% कम अंक मिले, बी को सी से 25% अधिक मिले और 25, सी को डी से 20% कम मिले, सी को डी से 20% कम मिले और फिर कह रहा है कि ए गेट्स 360 मार्क्स आउट ऑफ 500, तो डी ने कितने प्रतिशत अंक गेन किए। ए गेट्स 360, तो हमने मान लिया डी को, डी ने 100 गेन किया है और सी गेट्स 20% लेस देन डी। इसका मतलब ये है कि इन्होंने इसका 80% लिया है, सी को 80 मिले हैं और बी गेट्स 10% मोर देन सी, बी गेट्स 10% मोर देन, ये बेटा गलत हो गया है, बी गेट्स 25% मोर देन सी, बी गेट्स 25% मोर देन सी, तो ये 25% मोर देन सी होगा यानी 80/125/100, 25 × 100 यानी बी गेट्स 100 मार्क। यही गलत हो रहा था, गलत इसलिए मैंने समझा क्योंकि यहाँ वैल्यू सिंपलीफाई नहीं हो रही थी, ये 100। अब लिखा है ए गेट्स 10% लेस देन बी, तो अगर ए गेट्स 10% लेस देन बी तो इसका मतलब ये है कि बी ने 100 पाए हैं तो ए को 90 मिले होंगे। अब ए को एक्चुअली कितने मिले हैं, तो एक्चुअली 360 मिले हैं, तो 90 = 360, 1 = 4 और डी के बारे में पूछ रहा है तो 100 = क्या आ जाएगा 400। परसेंटेज कैलकुलेट करना है, डी ने 400 पाए हैं कितने में, 500 में, आप देखो यहाँ पे एम 500 है, मल्टीप्लाइड बाई 100 आंसर आ जाएगा 80%। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही अच्छा सवाल है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप देखिएगा, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। ठीक है, ए ने उत्तीर्णांक से 10% अंक कम प्राप्त किए, ए ने उत्तीर्णांक से 10% कम अंक प्राप्त किए, फिर बी ने बहुत अच्छा सवाल, आप देखिए, ए से 11/9%, आप वैल्यू देखिए कैसी कैसी लिखी हैं, कम अंक प्राप्त किए, कम अंक प्राप्त किए, जबकि सी ने ए तथा बी के कुल अंकों का, सी ने ए प्लस बी के कुल का, मैं शॉर्ट में थोड़ा सा लिखने की कोशिश कर रहा हूं, कुल का 41/3/17% अंक प्राप्त किए, 41/3/17% अंक प्राप्त किए। तो कह रहा है कि बताइए सी पास हुआ या फेल हुआ। कितना बढ़िया सवाल है, पास हुआ या फेल हुआ। इस सवाल की खूबसूरती क्या है, इस सवाल की ब्यूटी ये है कि इस सवाल में जो परसेंटेज लिखे गए हैं वो एक थोड़ा सा जो है हॉरर फ्रैक्शन है, थोड़ा सा जो है इरिटेट करने वाली वैल्यू लिखी हुई है, मन नहीं करता है सवाल को हल करने का,
सवाल आ रहा है उसके बावजूद भी मन नहीं करता है कि कौन ये सब इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को हल करे। कॉन्सेप्ट तो हमको आता ही है, लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम का ट्रेंड है सवालों के कैलकुलेशन को उल्टा सीधा बना देना, इरिटेटिंग क्वेश्चन कर देना, कॉन्सेप्ट आते हुए भी मन करता है कि सवाल को छोड़ दें। आइए, लेकिन देखिए सवाल जब कभी भी एग्ज़ाम में लिखा जाता है इस तरह का, तो आप ये समझ जाना कि सवाल को हल करने का ज़्यादातर कोई ना कोई सिंपल मेथड ज़रूर होगा। वो सिर्फ इसलिए लिखा गया है ताकि आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे, थोड़ा भद्दा लगे आपको, बस इसलिए। चलिए मैं बात करता हूँ। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। हम मान लेते हैं परीक्षा में टोटल पूर्णांक है MM, दैट इज 100, ठीक। पासिंग मार्क कितना चाहिए? पासिंग मार्क 100 का 40% यानी 40। ए ने उत्तीर्णांक से 10% कम नंबर पाए, यानी ए फेल हो गया। ए कितना पाएगा? इसका 10% कम यानी इसका 90%, यानी 36 नंबर। आप ये जानते हैं बहुत अच्छे से। फिर कह रहा है बी ने ए से 11 सही 1/9% कम प्राप्त किए। बी ने 36 तो ए ने पाए थे, लेकिन 36 का 11 सही 1/9%। आप बिल्कुल आसानी से हल करिए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैंसिल न चौक 36, यानी जो बी गेट करता है, जो बी पाता है वो 32 नंबर पाता है, राइट। अब सी के बारे में आइए। देखिए सवाल की जो मैं ब्यूटी बार बार बता रहा था, सवाल की जो खूबसूरती के बारे में आपको बता रहा था, वो यही है कि सवाल ने कहा है कि ये पहली चीज़ तो फ्रैक्शन इस तरह से है। आगे लिखा है सी ने ए प्लस बी के कुल का 41 सही 3/17% अंक गेन किए। इसका अर्थ ये है कि ये जो 17 है वो कहीं ना कहीं से कट रहा होगा। और देखो यहाँ लिखा है ए प्लस बी, तो ए ने 36 पाए हैं, बी ने 32 पाए हैं, दोनों जोड़ोगे 68 होगा और 17 × 68 बनेगा। ये सवाल को हल करने का वे था। तो सी कितना पाता है? ए प्लस बी के कुल का 41 सही 3/17% कम, आगे लिखा है कम अंक पाए, ठीक। तो सी पास हुआ या फेल हुआ? तो चलिए, कितना ए और बी ने पाया है? 68 पाया है। उसने इस 68 का 41 सही 3/17 यानी 41 × 17 + 3 और 17 × 68 सर 68 − 4 17 × 17 और 17 × 68 69 और प्लस 17 × 17 और प्लस 3, ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 700। परसेंटेज नहीं है, अपॉन में परसेंटेज बना लीजिए 700। तो ये आएगा 68 − 4 × 700/100 यानी सी ने कितने अंक पाए? 68 − 28 = 40। पासिंग कितनी ज़रूरी थी? पासिंग मार्क कितना था? 40, यानी ऑब्वियसली सी विल पास इन द एग्जाम। बात समझ में आई? सवाल को देखिए, समझिए और फिर हल करिए। आगे और चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 70% छात्र इंग्लिश में और 80% छात्र मैथ्स में पास हो गए, यानी इंग्लिश मैथ्स 70% पास हुए इंग्लिश में, 80% पास हुए मैथ्स में, क्लियर।
और कह रहा है कि बॉथ में टोटल फेल हैं 10%, बॉथ फेल इन बॉथ सब्जेक्ट 10%, टोटल पास कैंडिडेट्स, टोटल पास कैंडिडेट 144। तो क्वेश्चन कह रहा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ये क्वेश्चन हमसे पूछता है। अच्छा, अगर ये इंग्लिश में 70% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं? 30%। मैथ्स में अगर 80% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं? 20%। अब मान लीजिए क्लास का एक ऐसा कैंडिडेट है जिसका नाम डी है, मैथ्स वाला, और ये बंदा जो है वो मैथ्स में भी फेल है और इंग्लिश में भी फेल है। क्लास में कोई टीचर आता है, कहता है बताइए मैथ्स में कितने लोग फेल हैं, खड़े हो जाएं, ये खड़ा हो जाएगा। इंग्लिश में कितने लोग फेल हैं, खड़े हो जाएं, फिर ये खड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा कैंडिडेट है जो मैथ्स में भी फेल है और इंग्लिश में भी फेल है। अगर मैं ये कहूँ कि केवल मैथ्स में कितने फेल हैं तो इसको हटाना पड़ेगा, केवल इंग्लिश में कितने फेल हैं फिर भी इसको हटाना पड़ेगा, लेकिन टोटल कितने फेल हैं तब इसको जोड़ना पड़ेगा। तो बस वही है, अगर बॉथ में फेल हैं 10% तो ओनली इंग्लिश में कितने फेल हैं, ऐसे टोटल फेल परसेंट ओनली इंग्लिश में कितने हैं, 30 में से ये 10 भी रहा होगा तो इसको हटा दो, 20 बचा, इस 20 में 10 ये रहा होगा ये भी हटा दो, फिर ये इसको अलग से जोड़ लो क्योंकि फेल तो यह भी है ना। तो टोटल नंबर ऑफ फेल कैंडिडेट्स कितने हो गया, 40%। अगर टोटल नंबर ऑफ फेल कैंडिडेट्स 40 हो गया तो पास कितने परसेंट हुए होंगे, 60%। और 60% यहाँ एग्जैक्टली किसके बराबर है, 144 के, और ये आप सॉल्व करेंगे 10%, और ये आ जाएगा आपका 6 × 12, 6 × 24, 100% आपको बनाना है, 100% इक्वल टू 24 × 10, 240 स्टूडेंट्स। पूरे कॉलेज में कितने कैंडिडेट्स हैं टोटल, 240। समझ में आया? ये बॉथ वाला गेम समझ में आपको आ जाना चाहिए क्योंकि पीछे भी हम इसकी वीडियोस बना चुके हैं, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, यह भी अच्छा ही सवाल है। सवाल में कह रहा है हमसे कि किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के तथा लड़कियों का रेशियो 16:9 है, यानी बॉयज रेशियो गर्ल्स 16:9। फिर कह रहा है पास बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 5:4, यानी वो तो ये तो वो रेशियो है जो पूरे लड़के और लड़कियों ने, कितने लोगों ने एग्जाम अपियर किया, कितने लोगों ने एग्जाम में भागीदारी ली, लेकिन पास कितने लोग हुए वो रेशियो यहाँ पे लिखा है, पास्ड बॉयज रेशियो गर्ल्स इक्वल्स 5:4। और 80% गर्ल्स पास हुई हैं तो कितने प्रतिशत बॉयज पास हुए हैं, और यह भी ज्ञात कीजिए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। 80% गर्ल्स पास हैं, यानी ये वैल्यू जो 80% है ये एग्जैक्टली इस 4 के बराबर होगी, बिल्कुल होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे 20, यानी इसको अगर हम 100% बनाएंगे तो 5 आएगा, यानी 5 लड़कियां पास हुई हैं, ठीक है, 5 लड़कियां
पास हो गई हैं 100% बराबर, सॉरी पांच लड़कियां नहीं, चार पास हुई हैं, टोटल पांच लड़कियां हैं, जबकि यहाँ रेशियो में कह रहा है कि लड़कियों का रेशियो कितना है, 9 है। इसका मतलब ये है कि 5:9 का 1:9/5 का। तो बॉयज़ अगर यहाँ से निकालोगे तो बॉयज़ कितने आएंगे, यहाँ से बॉयज आएंगे 16:9/5, ये बॉयज आ जाएंगे, ठीक है। अब पास बॉयज़ कितने होंगे, तो टोटल बॉयज़ तो भाई ये हो गए, और पास बॉयज़ आपको निकालने हैं, तो टोटल बॉयज़ का रेशियो कितना यहाँ लिखा है, 5। तो आप कहेंगे 5/16×9 और by 5 multiplied by 100, तो ये आपका आ जाएगा 5 तो बॉयज कितने आएंगे, 9/5, 16×9/5 और ये आपका होगा 16×9/5 तो जो बॉयज़ पास होंगे वो होंगे 5, टोटल बॉयज़ पास कितने हैं, 5/16×9/5 हल करते हैं, 4 × 16 25 × 100 ये आपका आ जाएगा 625/36 और इस वैल्यू को ज़रा हल करिएगा, जो भी है वही आपका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। बॉयज़ रेशियो गर्ल्स 16:9 था, पास्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स रेशियो 5:4 था, और यहाँ पे जो गर्ल्स थी 4, ये एक्चुअली 80% के बराबर थी, तो 1=20% क्या आ गया, 100=5 क्या आ गया, और यहाँ पे जो गर्ल्स थी वो ये यहाँ से मिस्टेक हुई है भाई, ये 9 बराबर है 5 का, तो 1:5/9 का, तो टोटल कैंडिडेट्स आ गए 5×16/9, ये टोटल बॉयज़ आ गए, ठीक है। अब पास कितने हैं इसमें से, मात्र 5 हैं, तो 5/5×16/9 multiplied by 100, 4 × 16 25 × 100, 25×9=225/4×5=20 और 4×6=24 और 56.25, ये रेशियो यहाँ से थोड़ा गलत हुआ था, 9/5 का होगा तो 1/5/9 का होगा, 56.25% कैंडिडेट्स पास हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है कि टोटल कितना स्टूडेंट पास है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट अगर आपको पास निकालना है तो 1/5/9 का आया, अगर 1/5/9 का आया है तो टोटल कैंडिडेट्स कितने हुए यहाँ पे, 25, तो टोटल कैंडिडेट्स कितने आएंगे, 25×5/9 और पास कितने हुए हैं, 9, तो 9/25×5/9 multiplied by 100, 25×25=100 और ये रेशियो आएगा 9×81×4/5, 4×4=32/5, 5×6=30, 5×20 5×8=40, 64.8%, ये सवाल हो गया आपका बॉयज एंड गर्ल्स से रिलेटेड। और बी एक्सरसाइज के आगे के भी क्वेश्चंस आप लोग हल करते जाइए, हमें कमेंट बॉक्स में बताते जाइए अगर कोई समस्या है। तो आज की क्लास यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर।